देश की अति प्रमुख व प्रीमियर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई में विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेपों के कारण पहले भी काफी कुछ गलत व अनर्थ होता रहा है तथा अब वर्तमान में भी जो कुछ उठापटक हो रहा है वह देश के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात बन गई है, क्योंकि इन कारणों से जनता में अनेकों प्रकार की भ्रांतियां पैदा हो रही हैं। इस बहुचर्चित विषय पर मीडिया पर लगातार हो रही बहसों से लोगों का सीबीआई के ऊपर से भरोसा काफी ज्यादा डगमगा गया हुआ लगता है। सीबीआई में पिछले कई दिनों से जारी आपसी घमासान के बाद केंद्र सरकार द्वारा कल आधी रात को सीबीआई के निदेशक को लंबी छुट्टी पर भेजने के साथ साथ वहां किए गए बड़े पैमाने पर तबादले आदि की सीधी कार्रवाई किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी ने कहा कि अब यह मामला स्वाभाविक तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चला गया है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि सीबीआई की आंतरिक कार्यप्रणाली के साथ साथ इन मामलों में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी की भूमिका पर भी न्यायालय को फिर से गंभीरता पूर्वक विचार करने का मौका मिलेगा, जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही जरूरी हो गया लगता है। सीबीआई पर लोगों का भरोसा दोबारा से बहाल करने के लिए जरूरी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय काफी विस्तार से तथा अति प्रभावी रूप से वर्तमान संकट का संज्ञान ले। सुश्री मायावती जी ने कहा कि सीबीआई में जो कुछ संकट छाया है उसके लिए अफसरों से कहीं ज्यादा केंद्र की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि इनकी द्वेषपूर्ण, जातिवादी व सांप्रदायिकता पर आधारित नीतियों व कार्यकलापों से सीबीआई ही नहीं बल्कि हर उच्च सरकारी, संवैधानिक व स्वायत्त संस्थाओं को संकट व तनाव में डाल रखा है, जिसके संबंध में हर तरफ से लगातार आवाज भी उठती रही है। इसी कारण अब देश भर में आमजन की भावना है कि बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार के लिए उनके अपने दामन पर विजय माल्या प्रकरण, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी व राफेल लड़ाकू विमान सहित अनेकों प्रकार के लगे काले धब्बे तो उन्हें अच्छे लगते हैं और उसकी उचित जांच तक नहीं कराई जाती है, लेकिन बीजेपी विरोधी पार्टियों व अन्य सभी संगठनों, संस्थाओं के खिलाफ सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके इनको चुन चुन कर द्वेषपूर्ण कार्रवाइयों का निशाना बनाने का काम लगातार पिछले लगभग 4.5 वर्षों से बीजेपी की सरकार द्वारा किया जाता रहा है। इसके फलस्वरूप सरकारी संस्थाओं पर से लोगों का भरोसा काफी कम हुआ है, जिसका समाधान आवश्यक है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।